स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स 11 का टीम कंपैरिजन करेंगे। कहां दोस्तों, जहां पे आपको कोलकाता की तेवर तो वहीं पे आपको पंजाब का जोश देखने को मिलेगा। जहां पे एक तरफ है किंग खान की टीम है तो वहीं दूसरी तरफ हमें प्रीति जिंटा की टीम देखने को मिलेगी। जहां पे ऑन स्क्रीन दोनों की जोड़ी वीर जरा वाली थी, पर ऑफ स्क्रीन वीर जरा आमने सामने हम लोगों को मैदान में देखने को मिलेंगे। जहां पे एक तरफ कोलकाता की टीम अपने तीसरे टाइटल की आस में मैदान में उतरने के लिए तैयार है, वहीं पर पंजाब सुपर किंग्स अपने 16 साल के आईपीएल के सूखे को खत्म करने के लिए ये भी एक बार फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। तो आगे बात करते हैं, कुछ टॉपिक भी डिस्कस किया जाएगा, जो कि पहली टॉपिक होंगे दोनों टीमों के इतिहास के बारे में। सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे कैसा रहा दोनों टीमों का पास्ट परफॉर्मेंस। तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में, जानेंगे डिटेल्स में। चौथा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जानेंगे दोनों टीमों के कमजोरियों और खूबियों के बारे में। पांचवा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बताएंगे अपनी राय वो टीमों के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो को, इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहली टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो कि दोनों टीमों का इतिहास रहेगा, जहाँ पे पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स जिन्हें हम KKR के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पे IPL के एक शुरुआती दिनों में एक प्रमुख टीम भी रही है। इस टीम के संपर्क में भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर थे, जिन्होंने इस टीम को महत्वपूर्ण सफलता भी दिलाई है। जहाँ पे KKR ने 2012-2014 में IPL का टाइटल भी जीत के आए। वहीं अगर दूसरी टीम की बात करें पंजाब किंग्स 11, तो पंजाब किंग्स 11 जिसे हम पंजाब किंग्स और बाद में पंजाब किंग्स 11 के रूप में भी जाना जाता है, IPL में एक प्रमुख टीम भी रही है। इस टीम के संगठन में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा जैसे बड़े नाम शामिल है। पंजाब किंग्स 11 ने 2014 में IPL के एक संपूर्ण संकरण में फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन उन्हें खिताब से कुछ कदम दूरी पर निकाल दिया गया था। इस तरह कोलकाता और पंजाब दोनों ही IPL में उत्कृष्ट खेल और परफॉर्मेंस के बलबूते अपने आगे बढ़ रही है, जिससे इन दोनों टीमों खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए यह टूर्नामेंट और भी रोमांचक और मनोरंजन हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि कैसा है इन दोनों टीमों का पास्ट परफॉर्मेंस। दोस्तों बात करते हैं जहाँ पे वीर जारा की टीम के बारे में, तो भले ही ऑफ स्क्रीन पे एक रोमांटिक जोड़ी लगती है, पर ऑन फील्ड दोनों टीम्स के बारे में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जहाँ पे दोनों टीम्स के बीच में अच्छी खासी क्रिकेट देखने को मिलती है, जिससे फैंस और सपोर्टर्स के बीच में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। तो बात करें दोनों टीमों के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, तो बता दें दोनों टीम्स के बारे में पिछले 32 मैच में से 21 मैच कोलकाता की टीम जीत के आ रही है। तो वहीं बात करें पंजाब की टीम में, तो पंजाब महज 11 मैच जीती है, जिससे यह कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि कोलकाता की टीम पंजाब की टीम पे शुरू से ही हावी रही है। तो यह कहीं ना कहीं यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कोलकाता की टीम क्या इस साल भी अपनी स्विंग परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज मेंटेन रख पाती है, नहीं रख पाती है। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक, जो कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में, जानेंगे डिटेल्स में। दोस्तों एक टीम्स को बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं टीम में हर एक खिलाड़ी का महत्वपूर्ण किरदार होता है। कुछ ऐसे ही इन दोनों टीम्स को कॉम्बिनेशन को जो इन दोनों टीमों को काफ़ी खास बनाता है। तो आइए जानते हैं प्लेयर्स और उनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की टीम के बारे में, कुछ इस प्रकार है। जेसन रॉय है, नीतीश राणा है, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह है, एंड्रे रसल है, वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नारायण है, चेतन सकरिया, मिचेल स्टार्क है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी पंजाब का देखते हैं, जो कि प्लेयर कुछ इस प्रकार है। शिखर धवन है, जॉनी ब्रेस्टो है, प्रभ सिमरन सिंह है, हरप्रीत भाटिया, जितेश शर्मा है, लाइम लिविंग स्टोन है, सैम करण है, हर्षल पटेल है, राहुल चहर, हर्षदीप सिंह है, रवारा। तो ये रहे दो टीमों का प्लेइंग 11। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। तो दोस्तों हर टीम में कोई ना कोई खूबियाँ और खामियाँ होते हैं, जो एक टीम के लिए हार और जीत में एक अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों बात करते हैं दो टीम्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो बता दूं KKR की टीम वो टीम है जो बैलेंस टीम है, पर कहीं ना कहीं वो टीम अपने गेंदबाजी पे स्ट्रॉन्ग है, जब बल्लेबाजी पे आती है तो यहाँ पे वीक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ओपनर्स पे पूरी टीम निर्भर रहती है, जिसकी वजह से टीम बल्लेबाजी में लैग करती है। वहीं अगर दूसरी टीम की बात करें पंजाब, तो बात करते हैं पंजाब की टीम का भी कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है, जहाँ पंजाब की टीम में एक से एक ऐसे धाकड़ बल्लेबाज जो अपने अकेले दम पर पूरा मैच को जिता सकते हैं। वहीं बात करें गेंदबाजी की, तो कहीं ना कहीं हर साल की तरह इस साल भी पंजाब की टीम में गेंदबाजी को आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि पंजाब की फेमस गेंदबाज ज़्यादातर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। खासकर स्पिन डिपार्टमेंट पंजाब की टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा खाली रहते हैं, जहाँ इस टीम को मिडिल ओवर्स में विकेट मिलने में दिक्कत होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहेगा अपनी बताएंगे अपनी राय वो टीमों के बारे में। तो जहाँ पे आपको पंजाब और कोलकाता दो IPL की टीमों में साफ खासियत है, जहाँ आपको मुख्य अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अपनी राय बताएंगे वो टीमों के बारे में, दोनों टीमों के बारे में। तो पहली टीम की बात करें जो कि पंजाब सुपर किंग्स है, तो पंजाब को विरासत में कुछ संदर्भ खिलाड़ियों का समर्थन मिला है, जैसे कि शिखर धवन है, कशिगो रवा, बैरिस्टो। परंतु पंजाब ने IPL के पुराने सीजन अपने गेंदबाजी विभाग में
थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उनकी जीत में कमी आई है। पंजाब के पास कई युवा प्रतिष्ठा खिलाड़ी भी हैं, जैसे कि हर्षप्रीत भाटिया, जितेश शर्मा, जो टीम के लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर दूसरी टीम की बात करें कि कोलकाता नाइट राइडर्स, तो केकेआर के पास भरोसेमंद खिलाड़ियों की कमी नहीं है, जैसे आंद्रे रसल है, सुनील नारायण, जो अपने क्षेत्र में मायने। इसके अलावा केकेआर की टीम के लिए जरिए कुछ अच्छे युवा खिलाड़ियों को मौका भी दिया गया, जो टीम में जीत की बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दोनों टीम्स में टक्कर भरी होती है, जो आईपीएल मैदान में आते ही दोनों के बीच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला भी होगा इस साल का टाटा आईपीएल 2024 का। तो क्या फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो क्या इस बार दोनों टीम्स में से कौन सी टीम इस बार टाटा आईपीएल 2024 का टाइटल जीत के जाती है, तो यह काफ़ी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग जोर देखेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।